बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम अपना लेक्चर 3 को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 3 के अंदर हम जो है वो कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ डेटाबेस अप्रोच, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। और रेंज ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशंस, इसके बारे में जो है हम आज के इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। हमारा ये जो लेक्चर है ये भी पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द डेटाबेस अप्रोच। डेटाबेस अप्रोच जो है, जब हम डेटाबेस अप्रोच को यूज़ करते हैं तो क्या है कि कुछ एडिशनल कॉस्ट और कुछ रिस्क हैं, उनको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। और फिर जो है जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, हम डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें क्या है कि उन सारे रिस्क और कॉस्ट को जो है वो मैनेज भी करना होता है और क्या है उनको रिकॉग्नाइज भी करना होता है। ये करना जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके किए के बगैर हम जो है वो कॉस्ट और रिस्क के जो है कॉस्ट एंड रिस्क जो है उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। तो वो ये चीज़ बता रहा है कि डेटाबेस अप्रोच इंटेल्स ज़रूरी है कि सम एडिशनल कॉस्ट एंड रिस्क डैट मस्ट बी रिकोगनाइज एंड मैनेज व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेड। न्यू स्पेशलाइज पर्सनल, जब भी हमने डेटाबेस को, न्यू सिस्टम को हमने क्या है इम्प्लीमेंट कर लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है वो क्या, हमें सबसे पहले क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन डेट अडॉप्ट द डेटाबेस अप्रोच नीड टू हायर आर ट्रेन इंडिविजुअल्स टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डेटाबेसेस। अब क्या है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन को या तो नए बंदे जो हैं वो हायर करने पड़ेंगे जो इस पूरी डेटाबेस की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में पूरा ऑन हो रखते हों, ट्रेंड हो, या फिर यह है कि हमें इंडिविजुअली जो हमारे जो बंदे हैं जो उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि किस लिए, को टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डेटाबेसेस, को डेटाबेसेस को डिज़ाइन भी करें और उनको इम्प्लीमेंट करें, प्रोवाइड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। यानी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई इस डेटाबेस अप्रोच को अडॉप्ट करेगी तो क्या है उसको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा या फिर नए एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि वो जो डेटाबेसिस की जो डिज़ाइनिंग है या इम्प्लीमेंटेशन है वो बग़ैर ट्रेनिंग के या न्यू जो डेटाबेस के इन्वायरमेंट से फेमिलियर हैं या हाउ नो रखते हैं उनके बगैर हम इन चीज़ों को नहीं कर सकते। फिर क्या है, ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, फिर जो हमारे पास नए एम्प्लॉयज़ आएंगे हम उनको भी ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। कि जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, डेटाबेस अप्रोच आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो हमें क्या है कि अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी, अब इसमें क्या है कि मल्टी यूज़र डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ लार्ज एंड कम्प्लेक्स सूट ऑफ सॉफ्टवेयर डेट हैज़ अ हाई इनिशियल कॉस्ट। कि आपका ऐसा डेटाबेस के जो मल्टी यूज़र की मैनेजमेंट सिस्टम में है उसमें वो क्या है कि वो बता रहे हैं कि वो आपका लार्ज एंड कम्प्लेक्स सूट क्या होता है, सॉफ्टवेयर सूट ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है कि आपके पास ऐसे एप्लीकेशन, ऐसी सॉफ्टवेयर के जो क्या है कि आप एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ कम्बिनेशन बन के ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो बना हुआ है जिनकी वर्किंग जो है या जिनका सारा एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। क्योंकि बता रहे हैं कि वो क्या है कि उनकी जो इनिशियल कास्ट है, जो उनकी स्टार्टिंग कास्ट है, वो क्या है वो हाई होती है। अब उसके बाद क्या है कि रिक्वायर्ड स्टाफ ऑफ ट्रेन पर्सनल टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, कि हमें ऐसा स्टाफ चाहिए होगा कि जो उसको इंस्टॉल और ऑपरेट करें, एंड एज सब्सटेंशियल एनुअल मेंटेनेंस एंड सपोर्ट कास्ट। उसी वजह से क्या है कि हमारी एक एनुअल मेंटेनेंस और एक सपोर्ट कास्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो क्या है वो रखनी पड़ेगी। रिक्वायर अपग्रेड्स टू द हार्डवेयर एंड डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, अब आपकी जो हार्डवेयर है वो क्या है वो उसमें भी अपग्रेडेशन चाहिए होगी। जैसे ही आपने डेटाबेस अप्रोच को यूज़ करना है, आपने डेटाबेस को लॉन्च करना है, आपने अपने सिस्टम जो है वो अपग्रेड करना है, तो उस वजह से हमें क्या है कि हमें जो है हमारा हार्डवेयर जो है उसको भी जारी बात है अपग्रेड करना पड़ेगा। अब आता है कन्वर्जन कॉस्ट, कि आपने कन्वर्जन स्टार्ट कर दी है। द टर्म लेगेसी सिस्टम इज़ वाइडली यूज टू रेफर द टू ओल्डर एप्लीकेशन इन आर ऑर्गेनाइजेशन डेट आर बेस्ड ऑन फाइल प्रोसेसिंग आर
ओल्डर डेटाबेस, जब भी आप लगेसी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो लगेसी सिस्टम क्या है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या पुरानी जो डेटाबेस की टेक्नोलॉजी थी उनके ऊपर जोर दिया जाए और उन्हीं की बेस पे वर्किंग कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लगेसी सिस्टम। द कॉस्ट ऑफ कन्वर्ट, अब ऐसे जो सिस्टम्स हैं उनको क्या है कि जब हम कन्वर्ट करेंगे पुराने सिस्टम को मॉडर्न डेटाबेस टेक्नोलॉजी में तो क्या होगा, उसमें फिर जो टर्म्स ऑफ उसमें जितनी भी जो चीज़ें आएंगे उनमें क्या है, वो हमारे कॉस्ट उसमें लगेगी, उसमें हमारा टाइम कंज्यूम होगा, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट के ऑर्गेनाइजेशन का चेक करना पड़ेगा कि आया वाकई ऑर्गेनाइजेशन वो बेयर कर सकती है और उसको सारे रिस्क और सारी चीज़ों का आइडिया है या नहीं है और वो करना चाह रही है या नहीं चाह रही। तो ये बता रहा है कि मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स टाइम एंड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट मे ऑफन सीम प्रोहिबिटिव टू एन और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन किसी एक चीज़ की वजह से पीछे हट जाते हैं या वो ऐसी जो डेवलपमेंट है या ऐसी अपडेशन जो है वो करना ही नहीं चाहती। नीड फॉर एक्सप्लिसिट बैकअप एंड रिकवरी। एक्सप्लिसिट कहते हैं कि जो हम फोर्सफुली कोई चीज़ है करना चाह रहे हो, मैनुअली ना हो वो, सॉरी ऑटोमेटिकली ना हो, हम उसको खुद उसको किसी चीज़ के ऊपर जोर दें। इसमें भी यही बता रहा है कि शेयर्ड कॉर्पोरेट डेटाबेस मस्ट बी एक्यूरेट एंड अवेलेबल एट ऑल टाइम। कॉर्पोरेट कहते हैं कि जो बिजनेस या इस तरह की जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो चीज़ चल रही होती है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट। अब ऐसी डेटाबेस जो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है कि वो क्या है, मस्ट बी एक्यूरेट, उसको एक्यूरेट होना पड़ेगा और हर टाइम पे उसकी अवेलेबिलिटी हमें चाहिए होगी। ये नहीं कि वो सिस्टम किसी टाइम पे भी डाउन हो या उसको किसी टाइम पे रेस्ट या इस तरह की कोई चीज़ ना हो, हर टाइम पे अलर्ट और हर टाइम पे एक्यूरेट हमें चाहिए। दिस रिक्वायर्स डैट कम्प्रीहेंसिव प्रोसीजर्स बी डिवेलप्ड एंड यूज फॉर प्रोवाइडिंग बैकअप कॉपीज। अब इससे क्या है, पूरा एक कम्प्रीहेंसिव प्रोसीजर है जो क्या करना चाह रहा है, डिवेल्प हम कर रहे हैं किस लिए, एंड यूज प्रोवाइडिंग बैकअप कॉपीज ऑफ डाटा फॉर स्टोरिंग डेटाबेस व्हेन डैमेज अकर। कि हमें ये किस लिए एक्सप्लिसिट बैकअप चाहिए कि जब भी किसी किस्म की हमें रिस्टोर डेटाबेस को कोई भी डैमेज अकर हो तो क्या हो कि वो डेटाबेस को रिस्टोर कर दे और उसकी बैकअप की कॉपीज जो है वो हमें प्रोवाइड करे और हम बाद में उसको क्या है वो यूज़ कर लें। अब पढ़ते हैं कंस्ट्रेंट क्या चीज़ है। ए रूल डेट कैन नॉट बी वायोलेटेड बाय डेटाबेस यूज़र। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी, जब भी कंस्ट्रेंट की बात आएगी तो वो क्या है, कंस्ट्रेंट का मतलब है कि ऐसा रूल कि जिसको डेटाबेस यूज़र कभी भी वायोलेट नहीं कर सकता, जिसकी कभी भी खिलाफ वर्जी जो है वो कोई भी यूज़र जो है वो नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।